नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूलकुमारी। नमस्कार दीदी। आज का वर्ग एक बार फिर होने वाला है बड़ा मजेदार। दीदी, आज हम क्या मजेदार सीखेंगे? आज आप कुछ सीखेंगे नहीं, बल्कि बूझेंगे, समझे? पहेलियाँ। वाह, बड़ा मजा आएगा। पूछिए ना दीदी। ठीक है, तो सुनो पहली पहेली। तालाब भरा था, हिरन खड़ा था। तालाब सूख गया, हिरन भाग गया। बूझो क्या है ये? एक बार फिर बोलूं। तालाब भरा था, हिरन खड़ा था। तालाब सूख गया, हिरन भाग गया। बूझो क्या है ये? दे दिए आपने अपने उत्तर? सही जवाब है दीपक। दीपक? ओ, मैं तो समझ ही नहीं पाया था। तालाब भरा था यानी जब तक दीपक में तेल था। दीपक की लौ यानी हिरन खड़ा था। तेल खत्म तो हिरन भाग गया यानी दीपक बुझ गया। हाँ, चलो अब एक और सवाल पूछती हूँ। उसका उत्तर सोच समझ कर देना होगा। सवाल ध्यान से सुनना। एक आदमी को एक शेर, बकरी और घास का गट्ठर नदी के पार ले जाना है और उसके पास एक नाव है। पर समस्या ये है कि नाव में एक बार में सिर्फ एक ही चीज को अपने साथ ले जा सकता है, नहीं तो नाव डूब जाएगी। तो बताओ वो तीनों को नदी के पार कैसे ले जाएगा? दीदी, तो वह एक एक करके तीन चक्कर में सबको पार नहीं ले जा सकता क्या? इसमें क्या समस्या है? समस्या है ना, शेर और बकरी अकेले नहीं रह सकते, नहीं तो शेर बकरी को खा जाएगा। वैसे ही बकरी और घास का गट्ठर भी साथ में नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं तो बकरी घास खा जाएगी। आपको तीनों को सही सलामत पार करवाना है। ओ, तो ये तो मुश्किल सवाल है। इतना भी मुश्किल नहीं है, कोशिश करो, दिमाग लगाओ। सोचो सोचो। शेर को लेके जाएगा तो पीछे घास और बकरी नहीं रह सकती। बकरी को लेके जाएगा तो पीछे घास छोड़ जाएगा। पीछे घास शेर तो रह सकते हैं, पर जब वापस शेर को लेके जाएगा तो बकरी के साथ शेर को नहीं छोड़ सकता, घास को भी नहीं छोड़ सकता। दीदी, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ हिंट दो ना। अच्छा, तुम्हें संकेत चाहिए? ठीक है, पहला संकेत है कि ये ध्यान रखो कि एक दूसरे को खा जाने वाले एक साथ ना तो पीछे छूट सकते हैं, ना ही नाव में साथ जा सकते हैं, क्योंकि एक बार में तो एक ही चीज जा सकती है। और दूसरा संकेत ये है कि नाव के कई चक्कर लगने वाले हैं। तो अब फिर से दिमाग लगाओ। सोच लिया जवाब? दीदी, ये बड़ा कठिन है, मुझे तो नहीं आया। आप ही जवाब बता दो ना जल्दी से, सोच सोच कर दिमाग घूम गया। अरे अरे, दिमाग को वापस स्थिर करो और सुनो सही उत्तर। नाव वाला आदमी पहले बकरी को लेकर जाएगा, क्योंकि इस किनारे पर शेर और घास रह जाएंगे, और शेर तो घास खाता नहीं है। फिर वह दूसरे किनारे पर बकरी को छोड़कर वापस आएगा और अब की बार शेर को लेकर जाएगा। अब शेर को दूसरे किनारे पर छोड़ देगा
और बकरी को अपने साथ वापस ले आएगा, नहीं तो शेर बकरी को खा जाएगा। मैं ये सोच ही नहीं पाया कि किसी को वापस भी तो ला सकते हैं। हाँ, यही तो चतुरता है इस उत्तर में। अब इस बार बकरी को पहले वाले किनारे पर छोड़ देगा और घास के गट्ठर को साथ ले जाएगा। अब घास को किनारे पर उतार खाली वापस आएगा और इस अंतिम चक्कर में बकरी को साथ ले जाएगा। इस प्रकार वह तीनों को सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंचा सकता है। बड़ा अच्छा प्रश्न था, मैं अपने मित्रों से भी पूछूंगा। पर इस बार दोनों पहेलियों में से एक भी मैं नहीं बूझ पाया। कोई बात नहीं, आपने प्रयास तो किया ना, और मजा भी आया। अगले पहेली वर्ग में फिर प्रयास करना। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे फिर से। तब तक सुनते रहिए फूलकुमारी रेडियो। धन्यवाद।